सभी को। तो हम लोग इस चर्चा को अब हिंदी में जारी रखते हैं। कल जो हम अभ्यास कर रहे थे, अपनी ओर ध्यान देने का अभ्यास कर रहे थे, अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग होने का अभ्यास कर रहे थे, कल्पनाशीलता की वस्तु क्या है उसको देख रहे थे, और साथ में ये भी देख रहे थे कि उसका स्रोत क्या है, क्या उसका स्रोत मान्यता है या संवेदना है या सहज स्वीकृति है, इसको पहचानने का प्रयास कर रहे थे। अभी आप पिछला स्लाइड लगाइएगा, पिछले का पिछला और एक जी। कितनी बात अपने ध्यान में आई थी कि कल्पनाशीलता के तीन स्रोत हो सकते हैं, मान्यता, संवेदना या सहज स्वीकृति। यदि मान्यता से कोई कल्पना आ रही है, कोई इच्छा आ रही है, तो हम परतंत्र होते हैं। यदि संवेदना से कोई इच्छा आ रही है तो भी हम परतंत्र होते हैं, परंतु यदि सहज स्वीकृति के आधार पर इच्छा है तो हम स्वतंत्र होते हैं। और हमने कई उदाहरण लेकर यह भी देखा था कि कैसे एक ही वस्तु की इच्छा मान्यता से भी हो सकती है, संवेदना से भी हो सकती है और सहज स्वीकृति से भी हो सकती है। और ये अपने में देखना बनता है कि हमारे अंदर क्या क्या इच्छाएं हैं। लॉन्ग रन में देख लें हमारे अंदर क्या क्या इच्छाएं हैं, शॉर्ट रन में देख लें क्या क्या इच्छाएं हैं, घर में जो वस्तुएं हैं उनको लेकर देख लें क्या क्या इच्छाएं हैं, और जो पास्ट में हमने जिया है उसमें हम देख सकते हैं क्या क्या इच्छाएं हमारी बनी रही हैं, उनका स्रोत क्या रहा है कि नहीं। यदि इच्छा मान्यता के आधार पर आ रही है तो इसमें न तो निश्चितता है न निरंतरता है सुख की, क्योंकि कोई मान्यता है हमने मान ली है, हमने जांचा नहीं है, परखा नहीं है, जी कर देखा नहीं है, उसके साथ अपना सुख जोड़ लिया है, उसमें निश्चितता भी नहीं होती, उससे जो सुख मिलता है उसकी निरंतरता भी नहीं होती और परतंत्रता होती है, हम निर्भर होते हैं दूसरे पर कि नहीं, उसका कोई तृप्ति बिंदु भी नहीं होता। वही बात संवेदना के साथ भी दिखाई देती है। तो जो बात हम लोग डे वन पे कर रहे थे, सुख स्वभाव है या प्रभाव, यदि मान्यता से आ रही है या संवेदना से आ रही है इच्छा तो हम प्रभाव में होते हैं, यदि सहज स्वीकृति से आ रही है तो हम स्वभाव में होते हैं। स्वभाव का मतलब है स्वयं में स्वीकृत भाव, तो हमारी सहज स्वीकृति हमारा स्वभाव है। ये जांच पूरक अपने में बार बार करने की जरूरत है। इसी क्रम में कई सारे इश्यूज भी आए थे जिसमें से कुछ भी हम लोगों ने चर्चा की थी, जैसे क्रिएटिविटी का एक इशू है, तो क्रिएटिविटी का प्रयोजन क्या होगा, ये भी एक असाइनमेंट था कल। यदि हम परतंत्र नहीं है मान्यता या संवेदना के तो क्या क्रिएटिविटी रुक जाएगी, है ना, या जो सेलिब्रेशन हम अभी करते हैं भिन्न भिन्न अवसरों पर लाइफ में, क्या वो रुक जाएंगे या उसका कोई बेहतर स्वरूप होगा। तो इस तरह की कुछ शंकाएं प्रश्न हमारे अंदर हो सकते हैं। यदि हम इसको जीने से जोड़कर देखेंगे तो अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जहां पे हो सकता है अपना एक्सप्लोरेशन अभी ड्यू है, अभी हमको और जांच परख करनी है कि नहीं। संक्षेप में जब देखा तो दिखता है कल्पनाशीलता हो रही है, उस कल्पनाशीलता के आधार पर ही व्यवहार कार्य हो रहा है, और इस कल्पनाशीलता के तीन स्रोत है, मान्यता, संवेदना या सहज स्वीकृति। मान्यता या संवेदना के साथ जब कल्पना चलती है तो परतंत्र होते हैं, परंतु यदि सहज स्वीकृति के आधार पर चलती है तो स्वतंत्र होती है। अब थोड़ा और विस्तार में जाए कि सहज स्वीकृति क्या है, ठीक है, कल्पनाशीलता में कौन सी क्रियाएं हो रही है, तो दिखेगा कि कल्पनाशीलता में इच्छा है, विचार है, आशा है। इच्छा का मतलब चित्रण की क्रिया हो रही है, ठीक है ना। अगर हम अभी की स्थिति को देखें, जब हम समझ को पूरा नहीं कर पाए तो अभी जब मान्यता या संवेदना से कल्पनाशीलता चल रही है तो इच्छा के स्तर पर सिर्फ चित्रण की क्रिया हो रही है। विचार में तुलन विश्लेषण दो क्रियाएं हो रही हैं, और तुलन भी किस प्रकार से हो रहा है उस पर बात करेंगे। आशा में दो क्रियाएं हो रही हैं, चयन और आस्वादन, उसमें भी किस प्रकार से हो रहा है अभी उसको भी बात करेंगे। इसके द्वारा ही, इसके आधार पर ही हमारा व्यवहार कार्य तय हो रहा है। और जिसको सहज स्वीकृति कह रहे हैं उसका अर्थ ये है कि हमारे अंदर जानने की क्षमता है, वो क्रियाएं जो जागृत हो सकती हैं, तो क्रियाएं मुझ में भी हैं, आप में भी, हम में से हर एक में है, बट यही कि अजागृत है, परंतु अभी भी भले ही वो अजागृत हो, उन क्रियाओं के जागृत होने की क्षमता मुझे बनी हुई है और मेरे अंदर जो सही है वो प्रतिबिंबित होता रहता है। तो जब एक क्रिया जागृत होंगी तो सही दिख जाएगा,
परंतु अभी सही दिखा नहीं है, फिर भी सही मेरे अंदर प्रतिबिंबित तो हो रहा है, ये मुझे सहज स्वीकृति के रूप में दिखाई देता है। तो इसको हम लोग अभी ऑब्जर्व करें अपने आप में। हाँ तारा भैया का कहना है कि बर्थडे या मैरिज सेरेमनी को भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। रूपालिम जी, चंद्रशेखर जी और कानी जी, आप तीन लोगों ने तो वॉलंटियर किया है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाए। बहुत ही अच्छा, इसको भी ध्यान में रख लेंगे और इस पर हम लोग जरूर कुछ एक निर्णय के साथ आपसे फिर आगे बात करेंगे। देखिए जो पीड़ा हो रही है ना, एक तो है कि शरीर में कोई घटना हो रही है, कोई संवेदना हो रही है, ठीक है ना, जी वो संवेदना मुझ तक पहुंचती है, जी इसका अभ्यास 2 में हम लोग बारीकी से और देखेंगे, फिर मैं उसको कोई अर्थ देता हूँ, जी उस अर्थ से मैं दुखी या सुखी होता हूँ। तो शरीर में पीड़ा हो जी रही है तो उसका समाधान तो निकालना जरूरी है ना, उसको तो ठीक करना जरूरी है कि जी हमारे शरीर में पीड़ा ना हो। उसके लिए जो भी अपने को तरीके निकालने हैं, उपाय करना है, वो सारा करेंगे। ठीक, कोई दवा लेनी तो दवा लेंगे, कोई प्रोस्थेटिक या ऑर्थोटिक कोई है ना टूल यूज करना है तो उसको भी यूज करेंगे, परंतु उसके साथ जो अर्थ देना है, इसमें आप पाएंगे कि बहुत सारी चीजें मिक्सडअप हो जाती हैं। एक तरफ संवेदना आ रही है, परंतु दूसरी तरफ उसका जी समझ के अभाव में, मान्यताओं के दबाव में, ठीक, हम उसको कुछ गलत अर्थ दे रहे हैं। जैसे ऐसा जी मेरे ही साथ क्यों है ना, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था कि मेरा शरीर ऐसा हो गया, एंड सो ऑन। ऐसा बहुत सारा विचार चल सकता है जी अपने अंदर, जी जी या जी इस शरीर की विकृति के कारण मुझे समाज में सम्मान नहीं मिल रहा, लोग मुझे अलग ढंग से देख रहे हैं, कोई भी मुझे अपने जैसा नहीं स्वीकार रहा, उसका दुख है, संबंध का दुख है, प्लस अपने अनुत्तरित प्रश्नों का दुख है समझ के अभाव जी में। तो जी इससे तो उबारा जा सकता है बिल्कुल। इनफैक्ट हम लोगों ने इसको प्रयोग करके भी देखा कि बहुत कई बार ऐसा हुआ कि वर्कशॉप में कुछ ऐसे लोग आए जिनके अंग ठीक नहीं थे, और एक बार वर्कशॉप किया तो उनको समझ में आया कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरे साथ है, ठीक है ना, और शरीर तो एक बहुत ही रासायनिक वस्तु है, इसमें बहुत ही रासायनिक परिवर्तन हो ही सकते हैं, होते ही रहते हैं, हर दिन हो रहे हैं। ये भी एक बहुत ही रासायनिक घटना है जो घटित हो गई है, कोई पाँव काम नहीं कर रहा, कोई हाथ काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। अभी एक दीदी ने शेयर किया था, जब बैच 5 की शेयरिंग हो रही थी, तो उनकी आंखें नहीं है, बिना आंखों के, मतलब आंखें जी काम नहीं करती, परंतु वो सारा अपना जो भी जिम्मेदारियां उसको ठीक से पूरा करती है, परिवार में अच्छी स्वीकृति भी है। तो अल्टीमेटली मुद्दा तो सेल्फ का है, बॉडी का नहीं। बॉडी के तो हम सबके लिमिटेशंस होते हैं, उम्र के साथ लिमिटेशंस बढ़ते जाते हैं, तो बॉडी का कोई ना कोई लिमिटेशन तो होता ही है। अगर हम देखें तो हमारे भी शरीर में कोई ना कोई एक अंग होता है जो ठीक से काम नहीं कर रहा होता, किसी का पेट ठीक से नहीं काम कर रहा, किसी का दांत ठीक से नहीं काम कर रहा है ना, किसी की आंखें नहीं काम कर रही, किसी का हार्ट नहीं ठीक से काम कर रहा, किसी का लीवर नहीं काम कर रहा, अब ये सब तो रहता ही है। तो हमको स्वीकार जाता है कि जी हाँ भाई शरीर है, भौतिक रासायनिक वस्तु है, इसमें कोई ना कोई परिवर्तन होता ही रहता है, कोई ना कोई अंग कभी ना कभी काम नहीं करता है, ऐसा तो रहता ही है। हम अपने आप में सुखी होते हैं समझ और भाव से, ये बात निश्चित है। ये बात अगले को भी दिखाई जा सकती है, किसी विकलांग व्यक्ति को भी दिखाई जा सकती है कि आप सुखी होते हैं अपने समझ और भाव से, शरीर से नहीं, संवेदना से नहीं, या दूसरे से मिलने वाले भाव से नहीं। कि नहीं, तो स्टैंडिंग किसी जी जी कार्यक्रम ऐसा बना सकते हैं कि कोई भी थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट देने से पहले ऐसे लोग, अगर उनकी संख्या एक निश्चित हो जाती है कि 50 लोग ऐसे हो गए हैं जिनको अगले या 10 दिन बाद ट्रीटमेंट देना है अपने को, है ना, उनका नंबर लग गया है, जी उनको पहले आप वर्कशॉप करा जी दीजिए, ठीक है ना, ओके आप ओके 3 दिन का वर्कशॉप कर दीजिए उनके साथ, अगर फॉर्मली इंक्लूड कर लें तो आप पाएंगे उसमें से जो भी लोग आपको अपनी पीड़ा व्यक्त करने वाले हैं उसका एक दो तिहाई आधे लोग तो अपनी पीड़ा व्यक्त ही नहीं करेंगे, कहेंगे हाँ भाई ठीक है, पाँव ठीक नहीं, इसको ठीक कर दीजिए। दुख तो हमें संबंधों का होता है, दुख हमें अपने अंदर समाधान के अभाव का होता है, जो हमारे अंदर अनुत्तरित प्रश्न रह जाते हैं, हमारे हमारे प्रश्न को उत्तर नहीं मिलता है ना, कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं, या संबंधों का दुख होता है। अगर ऐसा किसी व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति अपने जैसा नहीं स्वीकारता, अगर उसको कोई विशेष रूप से हाई प्लेसमेंट दे तो भी परेशान होते हैं, लो प्लेसमेंट दे तो भी परेशान होते हैं। तो संबंध जो है वो मैं का मैं से है, ये अपने को दिखना बनता है, ये दूसरे व्यक्ति तक भी ये भाव पहुंचाना बनता है। शरीर एक साधन मात्र है,
पहले भी बात हुई है ना, इसके पिछले जो पीपीटी हम डिस्कस कर रहे थे कि मानव के होने में मैं केंद्र में है, ये बात हमें दिखाई दे। शरीर साधन मात्र है, तो साधन का सदुपयोग यही कि मैं का विकास हो जाए, मैं में परिमार्जन हो जाए, ज्ञान हो जाए, समाधान हो जाए। उसके लिए तो एक विकलांग शरीर भी काम कर सकता है कि नहीं। कई बार आप पाएंगे कि हमें शरीर की उस विकलता से ज्यादा अच्छा अवसर मिल जाता है अपने ऊपर काम करने का। ये भी हो सकता है, एक अच्छा अवसर भी हो सकता है। तारा जी, आपका हम अभी प्रश्न लेते हैं, थोड़ा सा इस स्लाइड को और डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो अगर पूरे स्लाइड पे देखें तो सबसे बाईं ओर लिखा हुआ है पावर, है ना। सबसे ऊपर देखें लिखा है सेल्फ इमेजिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेशन एंड प्री कंडीशनिंग। तो अभी जो स्थिति है ऐसी हो सकती है कि मान्यता संवेदना के आधार पर ही कल्पनाशीलता चल रही है ज्यादातर समय, तो ऐसी स्थिति बनती है सेल्फ की। तो पावर यानी हमारे अंदर ये शक्तियां हैं। क्या शक्ति है? इच्छा करने की शक्ति है, सेल्फ में विचार करने की शक्ति है, आशा करने की शक्ति है। इस शक्ति के साथ क्रियाएं जो जुड़ी हुई हैं, उसमें एक तरफ लिखा है डायनेमिक एक्टिविटी, एक तरफ लिखा है स्टेट एक्टिविटी, गति क्रिया, स्थिति क्रिया। स्थिति क्रिया यानी जो मुझ में स्थित होती है। जैसे आस्वादन को अगर ले तो हमें कोई आस्वादन मिला और वो स्वाद हम में स्थित हो जाता है। हमने रसगुल्ला खाया पहले और रसगुल्ले का स्वाद मुझ में स्थित हो गया। अभी जो स्थिति में आता है उसके आधार पर गति मिलती है कि अगली बार जब रसगुल्ला सामने आता है तो मैं कहता हूँ कि हाँ इसे खाया जाए, ठीक है ना। और हमने पिछली बार कोई स्पेशल डिश खाया बट उसका स्वाद बड़ा मतलब बेकार सा लगा, वो भी स्थित हो गया। अगली बार वो डिश सामने आता है तो हम कहते हैं ये नहीं खाना है, तो स्थिति में चला गया, उसको स्थिति क्रिया कहा। तो स्वादन जैसे स्थिति क्रिया है, चयन गति क्रिया है। जी सुनीता जी भी अपना नाम दे रही हैं। तो स्वादन स्थिति क्रिया है, चयन देखें तो गति क्रिया है। तो क्रियाओं को देखें तो दो प्रकार से दिखाई देती हैं, कुछ क्रियाएं हैं जो स्थिति में है, कुछ क्रियाएं हैं जो गति में है। तो आशा के स्तर पर देखें तो चयन और आस्वादन है, जिसमें आस्वादन जो अभी हम करते ही हैं, है ना, इस पर पहले भी बात हुई है। तो आस्वादन स्थिति के रूप में है, चयन गति के रूप में है। विचार में देखें तो दो क्रियाएं हैं, विश्लेषण और तुलन। तुलन स्थिति में है, विश्लेषण गति में है। तो स्थिति में होने का अर्थ क्या हुआ कि हम तुलना करते हैं, हमारे पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं, कई विकल्प होते हैं, उसमें हम तुलना करते हैं। तुलना करने कोई ना कोई आधार होता है, उस आधार को दृष्टि कहते हैं। तो तुलना में हम जिसको बेहतर मानते हैं, ठीक, वो हमारे अंदर स्थित हो जाता है कि ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं। जैसे खाने पीने के लिए ये चीज सुबह नाश्ते के लिए ठीक है, ये ठीक नहीं है। रात को सोने से पहले ये चीज लेना ठीक है, ये चीज लेना ठीक नहीं है। ठंड में पहनने के लिए ये कपड़ा ठीक है, वो कपड़ा ठीक नहीं है। तो हमने दोनों की तुलना की और जो उसको हमने बेहतर पाया वो हमारे अंदर स्थित हो जाता है कि हाँ ये बेहतर है, वो बेहतर नहीं है। अब उसके साथ ही हम विश्लेषण करते हैं कि जो बेहतर है उसको पूरा करने के लिए क्या करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रात में सोने के लिए ठंड के मौसम में रजाई लेना बेहतर है, बिना रजाई का सोना, रजाई या कंबल ठीक नहीं है। तो एक बार हमारे अंदर एक तुलना में बात आ गई कि रजाई ओढ़कर ही सोना है ना, तो फिर उसका विश्लेषण करते हैं। तो अब ठंड आने वाला है तो हम पहले ही देखते हैं भाई रजाई कहाँ पैक करके रखा है, उसको निकालो, उसको धूप दिखाओ ताकि रजाई से गंध ना आए सोते समय। तो हम उसका विश्लेषण करते हैं कि रजाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अगर रजाई ठीक नहीं है तो बनवाना पड़ेगा, कंबल अगर नहीं है तो लाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो जो हमारे तुलना में बेहतर दिखता है हमको, उसके अनुसार हम तुलना ये करते हैं, विश्लेषण करते हैं उसको पूरा करने के लिए। अब रजाई के अंदर लेटने का भी एक आस्वादन है कि हम ठंड से बचे रहते हैं, बिना रजाई के लेटने का भी एक आस्वादन है, हम ठंड से नहीं बच पाते हैं। उन दोनों आस्वादनों में भी ये जो आस्वादन है ठंड से बचे रहने का, ये हमको अनुकूल लगता है। तो तुलन के साथ विश्लेषण तो हो ही रहा है, उसके बाद एक स्वाद बैठा हुआ है और हम तभी चयन करते हैं कि अब ठंड आने वाला है, ठीक है दुकान चलिए, कंबल घर में नहीं है, कंबल ले आते हैं कि नहीं, और उसके साथ हम फिर व्यवहार और कार्य करते हैं। इच्छा के स्तर पर देखें तो चित्रण की क्रिया है। चित्रण का मतलब कि हम कुछ होना चाहते हैं, तो जैसे शरीर को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, स्वस्थ शरीर के साथ ही हमको सुखी होने की संभावना दिखाई देती है। तो हम बेसिकली देखें तो जो हमारे अंदर चित्रण है, हम सुखी होना चाहते हैं, वो भी निरंतर सुखी होना चाहते हैं,
निरंतर सुखी होने के अर्थ में शरीर को संरक्षण देना चाहते हैं, और फिर शरीर को संरक्षण देने के अर्थ में ये सारा नीचे चल रहा है। तो मूल में देखें तो शरीर को संरक्षण देने का भाव है कि ठंड से शरीर बचा रहे। ठीक, अब ठंड आ रही है, ये बाहर से मुझे सूचना मिली संवेदना के द्वारा कि सुबह उठे निकल गए और देखा कि अरे अब तो ठंडी हवा चल रही है, तो ठंड आ रही है, अब इसकी सूचना मुझे मिल गई। ये मेरे तुलन में बैठा हुआ है कि ठंड के मौसम में रजाई या कंबल ओढ़ के ही सोना है, वही ठीक है, बिना उसके सोना ठीक नहीं है। तो फिर हमने विश्लेषण किया, शरीर को संरक्षण देने के भाव के साथ इस तुलन के साथ विश्लेषण किया कि आज मार्केट चलो कंबल खरीद के लाते हैं, आज छुट्टी भी है, संडे का दिन है, कंबल ले आते हैं। आस्वादन में पहले से ही बैठा हुआ है कि अगर कंबल के अंदर सोएंगे तो नींद अच्छी आएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर हमने चयन भी किया, चलो मार्केट चलते हैं, उससे कार्य हमारा तय हो गया। ठीक, अब अकेले जाए या किन्हीं को लेकर जाए, तो हुआ कि अगर दूसरा व्यक्ति साथ में जाएंगे तो सिलेक्शन करने में आसानी होगी, उसका कौन सा रंग लेना है, साइज लेना है, वजन लेना है, प्राइस लेना है। तो हमने संबंध पूर्वक दूसरे से कहा कि आपका जब समय हो तो बताना, हम लोग साथ साथ मार्केट चलेंगे या कंबल खरीद के ले आएंगे। ऐसे हमारे अंदर चल रहा होता है ना। तो मेरे अंदर कुछ कल्पना चल रही है, हम शरीर के साथ जुड़कर कुछ व्यवहार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और फिर हम उसके साथ ही अन्य मनुष्य के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, शेष प्रकृति के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे अंदर चल रहा होता है। इसको हम लोग आज दिन भर ऑब्जर्व करें अपने अंदर।